मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है। और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना कैसे, क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। समय के आराम से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर युक्त क्यों प्राप्त होते? तदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? तभी विचार किया है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर, अंकुश अपने विचारों को पर कि किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती, समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है, और ये योग्य भी है वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय, व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश। किंतु ये न्याय क्या है? क्या न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो, और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास है कि समाज के प्रति, इतना ही अर्थ है न न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है, और हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगे हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है, और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है।